हेलो फ्रेंड्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोलॉग सो बेसिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या क्या प्रोलॉग क्या है और उसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे और देन हम स्टार्ट करेंगे उसके एडवांटेजेस सबसे पहले देखते हैं प्रोलॉग क्या है प्रोलॉग का मतलब है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक इन द लॉजिक प्रोग्रामिंग पैराडिगम द प्रोलॉग लैंग्वेज इज मोस्ट वाइडली यूज लॉजिक प्रोग्रामिंग पैराडिगम में ये जो प्रोलॉग लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ की जाती है प्रो एक डेक्लरेटिव लैंग्वेज है जिसमें हम डेक्लेयर करते हैं विच मीन्स दैट प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ डेटा बेस्ड ऑन द फैक्ट एंड द रूल्स इसमें क्या होगा आपके पास प्रोग्राम्स होंगे जो डेटा से बनेंगे जिसमें जो डेटा है वो टोटली दो चीज़ों पर बेस्ड रहेगा फैक्ट्स एंड रूल फैक्ट्स और रूल इन दोनों पे बेस्ड हमारे पास क्या होगा डेटा होगा डेटा जो फैक्ट्स और रूल्स रहेंगे वो हमारी लॉजिकल रिलेशनशिप्स रहेंगी इन दोनों के बीच में रैदर देन कंप्यूटिंग हाउ टू फाइंड अ सोल्यूशन हमें इसमें कंप्यूट नहीं करना कि किस तरह से सॉल्यूशन फाइंड करना है तो जो भी प्रोग्राम रहेंगे उसमें वो किससे बना होगा फैक्ट और रूल से बना होगा उनकी अपनी एक रिलेशनशिप रहेगी लॉजिकल रिलेशनशिप रहेगी सो द लॉजिकल रिलेशनशिप डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप विच होल्ड्स फॉर अ गिवन एप्लीकेशन लॉजिकल रिलेशनशिप जो है वो हमें बताएगी कि ये जो रिलेशनशिप है वो किस एप्लीकेशन के लिए है

रैदर दैन ट्रनिंग अ प्रोग्राम प्रोग्राम को रन रन नहीं करता इसमें क्या करेगा वो क्वेश्चनिंग करेगा अब वो क्वेश्चनिंग करेगा और उसका आंसर डिटरमाइन करने के लिए जो भी हमारा रन टाइम सिस्टम रहेगा जो हमें आंसर देगा वो सर्च करेगा डेटा बेस से तो डेटा बेस रहेगा डेटा बेस से सर्च होगा डेटा बेस किससे बना है डेटा बेसिस के अंदर है फैक्स एंड रूल्स फैक्ट्स और रूल में से सर्च होके हमें जो आंसर है वो मिलेगा सो so, जो सबसे पहला प्रोलोग था वो मार्सिले प्रोलोग, विच इज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ कॉल एंड द मेजर एग्जाम्पल ऑफ द फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज द प्रोलोग तो ये फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मेजर एग्जाम्पल थी जो कि प्रोलॉग है और ये सपोर्ट करता है डेक्लारेटिव प्रोग्रामिंग पैराटिगम ये डेक्लारेटिव है मैंने आपको पहले बताया यहाँ पर लॉजिकल रिलेशनशिप रहेगी फैक्ट्स और आपके रूल्स में 1981 में जापानीज़ कंप्यूटर प्रोजेक्ट ऑफ द फिफ्थ जनरेशन वाज़ अनाउंस्ड आफ्टर दैट इट वाज़ अडॉप्टेड प्रोलॉग एज डेवलपमेंट लैंग्वेज उसके बाद क्या हुआ कि जो प्रोलॉग थी एज अ डेवलपमेंट लैंग्वेज यूज़ की जाने लगी और इस ट्यूटोरियल में जो हम कवर करेंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि जो प्रोग्राम वॉज रिटन इन द स्टैंडर्ड एंड प्रोलोग प्रोलोग ऑफ़ प्रोलोग सिकंड फैमिली आर द अदर काइंड ऑफ प्रोलोग विच आर डिसेंडेंट्स ऑफ मार्सली प्रो देखिए आगे भी इसकी प्रोलोग की फैमिलीज हैं प्रोलोग टू फैमिली तो बहुत सारी आगे प्रोलोग की आगे फैमिली है बट अभी तो हम सिर्फ यही डिस्कस करेंगे कि प्रोलोग क्या है और एडवांटेजेस क्या हैं प्रलोग फीचर्स टू हैं दीज आर लॉजिकल वेरिएबल्स जिसका मतलब है कि ये एक यूनिफॉर्म डेटा स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करेंगे और इसमें बैक ट्रैकिंग स्ट्रैटेजी यूज़ की जाएगी ताकि हम अपने प्रूफ्स को सर्च करें पैटर्न मैचिंग फैसिलिटी होगी इसके अंदर हम पैटर्न मैच करके आंसर्स देंगे मैथमेटिकल वेरिएबल्स यूज़ करेंगे इनपुट्स और जो आउटपुट्स हैं वो इंटरचेंजेबल रहेंगी ये आपको तब ज़्यादा क्लियर होगा जब हम अब अग, अग, अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे आज हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि प्रोलॉग लैंग्वेज क्या है और इसकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं किसी भी आंसर पे पहुंचने के लिए आपको मल्टीपल उस बहुत सारे मिलेंगे वेज उससे आप एक वे एक वे चूज़ करना है रन टाइम सिस्टम आपको रन टाइम सिस्टम से आपके करेंगे क्वेश्चंस पूछेंगे और आप उसको आपको आंसर मिलेगा और दूसरा सॉल्यूशन जनरेट करने का तरीका होगा बैक ट्रैकिंग स्ट्रैटी एक रहेगा कि आप डेटाबेस से सर्च करेंगे दूसरा रहेगा बैक ट्रैकिंग भी पॉसिबल है प्रोलॉग एक वीकली टाइप्ड लैंग्वेज है जिसमें स्टैटिक स्कोप रूल्स और डायनामिक टाइप चेकिंग जो है वो होती है प्रोलॉग एक डेक्लरेटिव लैंग्वेज है इसका मतलब कि यहाँ पर हमें बताना पड़ता है कि किस वट प्रॉब्लम वी वॉन्ट टू सॉल्व रैदर देन हाउ टू सॉल्व इट हमें इसमें पूरी तरह से एक्सप्लेन करना पड़ता है कि हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ये नहीं बताना कि कैसे सॉल्व करना है तो ये जो प्रॉब्लम प्रोलो लैंग्वेज है कहाँ कहाँ पे यूज़ की जाती है डेटाबेस में एनएलपी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका यूज़ होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन में प्रो यूज़ होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन के अंदर हमारा नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस ऑटोमेटेड रीजनिंग सिस्टम्स जितने भी एक्सपर्ट सिस्टम्स हैं उनमें इनका यूज़ होगा एक्सपर्ट सिस्टम हम कवर कर चुके हैं वो इंटरफेस इसमें इंफ्रेंस इंजन रहेगा और एक डेटा रहेगा जिसमें आपका फैक्ट्स होंगे तो प्रो जो रन टाइम सिस्टम है वो हमें सर्विस देता है ऑफ इंटरफेस इंजन की जो रूल्स जनरेट करेगा सो बेसिक हमारा जो लॉजिक प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है उसमें लिटरल वैल्यूज हम यूज़ नहीं करेंगे आइडेंटिफायर्स जो अपर केस लेटर में यूज़ करेंगे और दूसरे आइडेंटिफायर्स हमारे वेरिएबल्स को डिनोट करेंगे जितने भी आइडेंटिफायर्स होंगे वो लोअर केस लेटर से स्टार्ट होंगे जो डेटा वैल्यूज रिप्रेजेंट करेंगे प्रोलॉग जो एलिमेंट्स हैं वो टाइपलेस होंगे मोस्ट इम्प्लीमेंटेशन्स जो हैं प्रोलो की उसमें अब इंटीजर वैल्यू कैरेक्टर्स ऑपरेशंस को भी इंक्लूड कर लिया गया है और जो इसका मैकेनिज़म है प्रोलो का वो टप्पल और लिस्ट को डिस्क्राइब करता है प्रोलोग जो हमारी कम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जो प्रोलोग है जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं और जो प्रोलोग है उसमें बहुत हद तक सिमिलैरिटीज़ हैं और जो लॉजिक प्रोग्राम है हम यहाँ पर बनाएंगे लॉजिक प्रोग्राम जिसमें रिलेशन डेफिनेशंस होंगे यहाँ पे लॉजिकल रिलेशनशिप्स बताई जाएंगी फैक्ट्स और रूल्स में सो so, जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डेफिनेशंस का यूज़ किया जाएगा और ये जो एक लॉजिकल प्रोग्रामिंग और फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो है दोनों के दोनों इसमें एड ऑन रहेंगी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाएगा स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज में रोबोट प्लानिंग में नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में machine learning, problem solving, intelligent database retrieval, export system and automated reasoning. So that's all for the prologue and what are the various applications of the prologue. In the next video, we will see it in the detail about the prologue, how to use it and what are the facts and the rules which we have seen in this video. So thank you friends if you like my video please like share and subscribe my channel and if you have any query you can ask in comment section so please stay tuned thank you